रोड है वो करीब 40 फीट का रहने वाला है। लगभग लगभग 20 पार्क हैं आपके, छोटे बड़े पार्क हैं। ये जो मेन रोड है ये 40 फीट का होने वाला है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले लाइक पर क्लिक करके लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करिए और आल पर टच कर दीजिए। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रियल्टर आकाश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से लेकर आए दोस्तों एक बहुत ही TNCP अप्रूव्ड फार्म फॉर कॉलोनी में प्लॉट लेकर। दोस्तों इस कॉलोनी की क्या खासियत है, क्या चीजें, क्या फैसिलिटी, सब कुछ इस वीडियो में बताया। सबसे पहले मैं कुछ आपको हिंट दे दूं कि इस कॉलोनी में डेवलपमेंट के साथ में आपको प्लॉट मिलने वाले हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में, जिसमें पार्क है, रोड है, सीवर है, बिजली है, पानी है, गेट है, सारी फैसिलिटी मिलने वाली है। साइड को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। दूसरी सबसे बेहतरीन बात यह है कि आपको छोटे से लेकर बड़े साइज के सभी तरह के प्लॉट मिल जाएंगे और प्लॉट बहुत कम से स्टार्ट है इसमें रेट। और दूसरी चीज मेन ये है कि इसमें आपको जो प्लॉट है वो किस्तों पे भी ले सकते हैं। अगर आपका बजट कम है, किस्तों पे प्लॉट लेना चाहते हैं, तो आपको वो भी मिल जाएंगे। किस तरह से प्लॉट मिलेंगे सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों लोकेशन एक बार देख लीजिए, इधर ये हाईवे पड़ता है, बाईपास पड़ता है, जहाँ से अगर बाईपास बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी पर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ से फ्रेंड्स। और ये देखिए बिल्कुल हम रोड पर ही हैं, बगल में पूरा हाउसिंग बोर्ड लगा हुआ है। इधर देखिए फ्रेंड्स, वो सामने 200-300 मीटर की दूरी पर यहाँ पर डायरेक्ट हाईवे लगा हुआ है, जो 6 लाइन है जहाँ से आगरा बाईपास। इधर भिंड रोड है पूरा, जो आप भिंड के लिए जाते हैं, और इधर से सीधा ग्वालियर जाएंगे और इस साइड आपको भिंड जा सकते हैं, राधा स्वामी आश्रम के बिल्कुल पास में। बगल में हाउसिंग बोर्ड लगा हुआ है, MP हाउसिंग बोर्ड, जैसा कि हमारा दीनदयाल नगर है उसी तरह का। मानिए कि नया दीनदयाल नगर यहाँ पे बन रहा है, उसी के जस्ट बगल में ये कॉलोनी होने वाली है। तो चलिए सारी डिटेल के साथ चीज़ें स्टार्ट करते हैं और बताते हैं किस तरह का यहाँ पे आपको प्लॉट मिलने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये मेन रोड पर मैं खड़ा हूँ और इसी रोड से लगा हुआ ये देखिए गेट है, मेन रोड पर गेट बना हुआ है। और इसके साथ साथ मैं बाउंड्री देखिए, काफ़ी प्यारी बाउंड्री यहाँ पर करी हुई है। और उसके साथ साथ में ये देखिए गेट बहुत ही शानदार बन रहा है, काम चल रहा है इसका, और जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा काफ़ी बढ़िया यहाँ पर क्वालिटी का होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये गेट है यहाँ पर, और उसके बाद में जैसे ही हम यहाँ पे मेन एंट्रेंस लेते हैं, ये जो मेन रोड है वो करीब 40 फीट का रहने वाला है। गेट का काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में है। तो इधर गार्ड के रहने के लिए रूम बनाया गया है, जिससे आपकी सिक्योरिटी बनी रहे। जैसे एंट्रेंस लेते हैं, 40 फीट का रोड है, ये सीवर का काम यहाँ से दिख जाएगा आपको, कंप्लीट हो रखा है। और इधर भी देखिए ये पार्क दिए गए हैं इसमें काफ़ी सारे, जैसे कि इस साइड ये पार्क दिया गया है, इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये काफ़ी बड़ा साइज में यहाँ पर कई सारे पार्क दिए गए हैं, जिसमें आपको आने वाले टाइम में झूले लगाए जाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और कुर्सियां भी लगाई जाएंगी। और इसी पार्क में आपका बोर दिया गया है, जो जहाँ से आप पानी का पूरी सप्लाई होती है। तो कई सारे इसमें बोर रहने वाले हैं पूरी साइड में, ये देखिए इस तरह से करा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर इस साइड में किस तरह की फैसिलिटी है और किस तरह की साइड है, कितनी बड़ी साइड है, क्या फैसिलिटी मिलने वाली है और किस साइज के प्लॉट मिलने वाले, क्या रेट मिलने वाला है, उसके लिए हमारी हेल्प करने के लिए सर जी मिले हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए। हेलो, हाँ मेरा नाम मोहन राजपूत है। तो जैसा कि सर इस साइड को हम देख पा रहे हैं, तो इसके बारे में एक बार बता दीजिए, इस साइड का क्या नाम है और ये लोकेशन क्या पड़ती है? ये सर कृष्णा टाउन के नाम से साइड है, और ग्वालियर झांसी जो बाईपास है उस पर ये साइड है, भिंड रोड के पास में, राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने। ये पूरा कैंपस लगभग 70 से 80 बीघा का होने वाला है, और इसमें लगभग लगभग 20 पार्क हैं आपके, छोटे बड़े पार्क हैं। ये जो मेन रोड है ये 40 फीट का होने वाला है। ये फाउंटेन पार्क है, ये आपका मेन गेट है, एक पार्क इस तरफ है, और चारों तरफ पार्क है, मतलब हर ब्लॉक में पार्क दिए हुए हैं। और 40 फीट 30 फीट और उनसे कनेक्टिंग जो स्ट्रीट है वो मिनिमम 25 फीट की है, इससे कम का कोई रोड नहीं। आपको आइए आगे तो जैसा कि हम ये देख पा रहे हैं, ये 40 फीट का रोड रहने वाला है। तो ये इसमें अंदर शॉपिंग एरिया भी दिया हुआ है, कॉमर्शियल एरिया भी दिया हुआ है, उसमें 10x20 की दुकानें भी दी हुई हैं, और बाहर मेन रोड पर भी लगभग 1000-1000 स्क्वायर फीट के कॉमर्शियल प्लॉट दिए हुए हैं बड़े बड़े दुकानों के लिए। तो अगर किसी को कुछ सामान खरीदना है फ्यूचर में, तो यहीं पे सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी आने वाले टाइम में। ये इतनी बड़ी कॉलोनी
डेवलप की हुई है तो साथ सबको यहीं पर सारी फैसिलिटीज मिल जाए, इस हिसाब से इसमें डेवलपमेंट का प्लान रखा हुआ है। जैसे कि अगर किसी को स्कूल वगैरह की फैसिलिटी अगर हो तो वो आसपास कौन सा स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल सर यहाँ पे आसपास लगभग 5-7 बड़े बड़े स्कूल हैं, 2 केंद्रीय विद्यालय हैं और एयरफोर्स वालों का एक एयरफोर्स नंबर 1 स्कूल भी यहाँ पर है। KG चिल्ड्रन CBSE स्कूल है और DPS है और GD गोइंग का भी बहुत जल्दी काम शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं और यहाँ से पीछे 4 किलोमीटर पीछे मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है और आसपास 3-4 कॉलेज और हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लगभग एजुकेशन अब यहाँ पर आसपास है, बहुत अच्छा है। ठीक है, जैसा कि सर आपने बताया कि एजुकेशन के लिए तो बेस्ट है ही, और उसके बाद में जैसे कि हम यहाँ पर फैसिलिटी की बात करें, जैसे बेसिक नीड की जो फैसिलिटीज़ होती हैं लोगों को रहने के लिए, अगर कोई घर बनाता है तो उसमें क्या क्या देने वाले इस कॉलोनी में? इस कॉलोनी में यहाँ पर आप देख रहे हैं सीवर का काम कंप्लीट है, अंडरग्राउंड वर्क जितना भी होता है, वाटर लाइन का काम कंप्लीट है, रोड का आप देख रहे हैं रोड भी कंप्लीट है, पार्क की बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, चारों ओर कैंपस की सारी बाउंड्री वॉल कंप्लीट है, मेन गेट का रोड भी काम भी कंप्लीट हो रखा है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट काम लगभग सारे कंप्लीट हैं। यहाँ पर कोई भी प्लॉट लेके अपने रजिस्ट्री करा के कभी भी मकान बना सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योर्ड कैंपस है, गार्ड रहता है यहाँ पर, पास ही में आपका बिंड रोड लगा हुआ है, तो यहाँ से 10 रुपये देके आप गोलेक मंदिर चौराहे, गिरडी नगर चौराहे पर पहुँच सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, अगर किसी को यहाँ पर अगर प्लॉट अपना लेना है, बुक करना है, तो कैसे किस किस साइज़ के प्लॉट यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं? यहाँ सर हमने सभी साइज़ रखे हुए हैं गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मिनिमम 400 स्क्वायर फीट का साइज़ है और 1540 में 600 है, 800 है, 1000 है, अगर इससे ज़्यादा चाहिए तो फिर हम 2 करके ले सकते हैं, डबल में भी है। जैसे कि आपने साइजेस के बारे में बताया कि यहाँ पर है, उसके अलावा यहाँ पर प्लॉट के जो रेट हैं वो किस तरह से रहने वाले हैं? रेट का सर हमारे यहाँ पर जो है 1130 रुपये का स्टार्टिंग रेट है, 1130 रुपये से शुरुआती है। तो फिर जो भी प्लॉट साइज होता है उसके अकॉर्डिंग रेट निकल जाता है उसमें। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है हमारे यहाँ पर वो ये है कि आम आदमी हमारे यहाँ 30 महीने की आसान किस्तों में प्लॉट ले सकता है। मतलब कि जैसे आपका प्लॉट की टोटल वैल्यूएशन मान लीजिए 8 लाख रुपए निकल के आती है, तो 4 लाख रुपए आप अभी दे सकते हैं और 4 लाख रुपए 30 महीने में, मतलब कि लगभग 13-14 हज़ार रुपए की किस्त आएगी, तो वो मंथली दे सकते हैं करके अपना प्लॉट ले सकते हैं, आसान किस्तों में ले सकता है, अगर ब्याज भी नहीं रहेगा उस पर, मतलब विदाउट इंटरेस्ट मिलने वाला है। मतलब 30 महीनों में आप आराम, आज आप प्लानिंग करें, कुछ पैसा आज दे दें, बाकी पैसा 30 महीनों में दे दें, पैसा पूरा होते से ही अपना रजिस्ट्री करके अपना मकान बनाने भी चालू कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे कि आसपास काफ़ी सारे मकान बने हुए हैं, उस तरफ देख रहे हैं हाईवे ऊपर बहुत सारे मकान बने हुए हैं, ये मकान बने हुए हैं, साइड के पीछे भी इवन को बहुत सारे मकान बने हुए हैं और सिक्योर्ड कैंपस है, तो यहाँ पर भी आप बना सकते हैं। बगल में हाउसिंग बोर्ड है, जैसा कि बताया जा रहा है कि मतलब ये मानिए दीनदयाल नगर जैसा पूरा MP हाउसिंग बोर्ड इधर आ रहा है। हाउसिंग बोर्ड में लगभग अभी 400 मकान का कंस्ट्रक्शन चालू है और कुछ उनका जो एक दो ब्लॉक हैं उसमें तो उनका फर्स्ट फ्लोर का कंस्ट्रक्शन भी चालू हो गया है और छत डालने का काम चल रहा है और सितंबर 2024 तक उनको वो काम कंप्लीट करके देना है। तो यहाँ पर लगभग लगभग साल से 2 साल के अंदर ये पूरे एरिया में फसाट होने वाली है अच्छे से। जैसा कि हम बात करें कि सबसे छोटा जो प्लॉट है 400 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है, 400, 500, 600, तो यानी कि किसी का कम बजट है तो लगभग 4.5-5 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाएगा। हाँ, और उसको भी अपना वो किस्तों में ले सकता है, डाउन पेमेंट कर देगा वो, अपना 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दे, बाकी किस्तों इंस्टॉलमेंट। हाँ, 10-12 हज़ार के आसपास किस्त आएगी उसकी, वो हर महीने देके कोई मतलब जो नॉर्मल इंसान भी है, मेहनत मजदूरी करता है, वो भी यहाँ पर लेके अपना घर बना सकता है फ्यूचर में। तो इस तरह से यहाँ पर प्लान रखे गए हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पार्क दिया गया है और इस साइड भी एक दोस्तों इस तरह का एक काफ़ी बढ़िया बड़ा साइज का पार्क दिया गया है। तो इसी तरह के काफ़ी सारे बड़े बड़े पार्क दिए गए हैं इस पूरी टाउनशिप के अंदर। तो दोस्तों, अगर आप लेना चाहते इस कॉलोनी, इस टाउनशिप के अंदर प्लॉट अपना सपनों का किस्तों में बहुत ही कम रेट में और एक छोटा सा डाउन पेमेंट करके और किस्तों प्लॉट लेना चाहते हैं, दोस्तों स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। मेरा नाम है आकाश शर्मा, रियल्टर आकाश आप इस चैनल को देख रहे हैं, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करिए, बात करिए, पूछिए कितना प्लॉट अवेलेबल है, साइड को देखिए, साइड विजिट करने के बाद अपना प्लॉट बुक करिए और उसके बाद अपनी किस्तें चालू कर दीजिए, जिससे क्या है आपका एक सपनों का घर प्लॉट यहाँ पर ग्वालियर में
एक हो जाएगा। और हम भी यही चाहते हैं कि आप सबका जो किराए पे रहते हैं, रेंट पे रहते हैं, आप सब अपना खुद का प्लॉट ले पाएं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह की वीडियो रोजाना आपको मिलती रहें। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।